जो कंपनी के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है, और उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या आज आपने अपने कंपनी का विजन स्टेटमेंट बनाया हुआ है, मिशन स्टेटमेंट बनाया हुआ है, कि आपको पता है आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब हम मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि सर आने वाले 5 साल या 10 साल में आप अपने बिजनेस को लेकर क्या सोच रहे हो, तो बोला सर सोचा हुआ है, बहुत कुछ सोचा हुआ है और बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में है। तो हम उनको क्वेश्चन करते हैं कि सर जो माइंड के अंदर आपकी चीजें हैं वो ऑन पेपर क्यों नहीं है? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर ऑन पेपर हमें आइडिया नहीं है कि उनको कैसे लेकर आया जाए, और दूसरा कि सर हम लोगों को बताने से डरते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डर होता है कि मेरा विजन अगर मैंने लोगों को बता दिया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। याद रखना, जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है ना, लोगों ने सबसे पहले उनके ऊपर हंसे। और जब विजन को लेकर बारी आती है ना, तो विजन ऑलवेज ऐसा होना चाहिए स्मार्ट, और स्मार्ट तरीके से आपको अपने बिजनेस विजन स्टेटमेंट को बनाना है। जो स्मार्ट तरीके के अंदर क्या आता है कि आपका विजन स्टेटमेंट, आपका विजन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें, विजन, मिशन, गोल, वैल्यूज, बिलीव्स एंड टैगलाइन, ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बेस। और ये सारी चीजों को मिलाकर आपको अपना विजन स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास विजन होता ही नहीं है और उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है। उसका 99.99% कारण होता है उनके पास कोई विजन ही नहीं है। वो क्यों काम पर जा रहे हैं, वो किस पर्पस से काम पर जा रहे हैं, उनका बिजनेस करने का क्या एजेंडा है उनको पता ही नहीं है। और ये विजन जब उनको क्लियर नहीं होता है तो दिक्कत ये आती है, छोटी छोटी चैलेंजेस बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम के बाद उनको अपने बिजनेस को बंद कर देना पड़ता है। क्योंकि इंडिया का सिनारियो ये बताता है, 90% बिजनेस 5 से लेके 10 साल में शुरू होके खत्म हो जाते हैं। और ये बहुत ही दुखद चीज है कि आज इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू तो होते हैं लेकिन बड़े नहीं हो पा रहे। और बड़े नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह है, लोग आते हैं धंधे में अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वो रिक्वायरमेंट जब लोगों की पूरी हो जाती है, ज्यादातर धंधे वाले संतुष्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं मिला हूं जिनका गाड़ी आ गया, जिनका बंगला हो गया, जिनका फॉरेन ट्रिप हो गया, जिनका वेलसेट थोड़ा बहुत धंधा हो गया, अब बोलते हैं बस अब इसी को मुझे चलाना है। तो मैं बोलता हूं सर ये सारी चीज आपका तो आ गया, आपके अंदर आपकी टीम में काम करने वाले कितनों का आया? तो अगर आज आपने ये सारी चीजों को हासिल कर लिया है तो अब आपका विजन ये होना चाहिए कि आने वाले 10 साल के अंदर 10 ऐसे लोगों को मैं तैयार करूं जिनके सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। और वो जब जिम्मेदारी आप उठाओगे, आपकी कंपनी का विजन पूरा करने की जिम्मेदारी वो उठा लेगी। और इसी तरीके से कारवा बनता है, इसी तरीके से टीम बनती है, और इसी तरीके से चैंपियन लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो आपको अपनी कंपनी का विजन बनाना है, मिशन बनाना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना है। क्योंकि मार्केट में एक ही बिजनेस को चलाने वाली बहुत सारे लोग होते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि एक बिजनेस को रन करने वाला पूरे गांव में, पूरे सिटी में या पूरे मोहल्ले में एक ही हुआ करते थे। तो किसी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती थी। आज क्या हो चुका है, कंपटीशन आ चुकी है, और कंपटीशन इतने चरम सीमा पे आगे बढ़ रही है कि लोग प्राइस वॉर कर रहे हैं, और प्राइस वॉर करके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो इन चीजों को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, और स्ट्रेंथ को जानने के बाद आपको उसी का आपको अपना यूएसपी क्रिएट करना है। तो यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, और ये यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है उसके बेस के ऊपर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और जो चीजें आपकी कमजोरी है उसको या तो आप डाउन कर दो, बंद कर दो आपकी कंपनी के अंदर, या उसी चीज को डेवलप करने के लिए ऐसे पर्सन को लेकर आओ आप अपने टीम में, पार्टनर में, कि जिस बंदे की स्ट्रेंथ वो चीज हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इनका सेल्स और मार्केटिंग तगड़ा है लेकिन उनको दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन के अंदर। क्यों? तो प्रोडक्शन उनका बैकग्राउंड नहीं है।
तो आपको वहां पर क्या करना है, एक ऐसा बंदा लेकर आना है जिसका 5 से 10 साल का तजुर्बा है प्रोडक्शन का, और उसको उसके अंदर मास्टरी हो। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जब आप अलग अलग सेगमेंट में से लेकर आते हो, तब जाकर आपकी कंपनी जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ से भर जाती है और सब लोग अपना बेस्ट दे पाते हैं। बाकी तो आपको और एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आज मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा और एक विजन स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो विजन स्टेटमेंट है हमारा हीरो जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, एक महान शख्सियत जो एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छे लीडर है और जिन लीडर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कंपनी को ग्रो किया है, इनकी केस स्टडी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक विजन का इंपॉर्टेंट कितना जरूरी है और एक विजन का होना क्यों जरूरी है। क्योंकि इन्होंने जब अपना सफर शुरू किया था तो साइकिल के स्पेयर्स पार्ट ये बनाते थे, और स्टार्टिंग के अंदर जब उन्होंने 1956 के अंदर हीरो साइकिल से शुरू किया था तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये साइकिल तक ही रुक जाएंगे, लेकिन आगे बढ़े। 1984 के अंदर इन्होंने हीरो होंडा ज्वाइंट किया, और हीरो होंडा ज्वाइंट करके 2001 के अंदर इन्होंने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने 2021 तक अपना रेवेन्यू 31,517 करोड़ तक वो लेकर गए। प्रोडक्शन का आउटपुट उन्होंने कर दिया 75 लाख के ऊपर का, और इतना उनका यूनिट बढ़ने के कारण उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट अपने बढ़ा दिए, और 8 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया के अंदर है, 1 बांग्लादेश के अंदर है और 1 कोलंबिया के अंदर है। और ये इतना ज्यादा डेवलपमेंट इन्होंने किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी रही जो मैंने अभी आपको बोला, यूएसपी। तो उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आए, ऐसी प्राइस के अंदर वो प्रोडक्ट को लेकर आए कि जिसके कारण उनका एक थंबनेल पड़ गया। और मेरे ख्याल से आप में से और मेरे में से बहुत सारे लोगों ने ये गाड़ी को खरीदा होगा और चलाया भी होगा, जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जिसको कहा जाता है हीरो होंडा स्प्लेंडर। और ये ब्रांड को वो मार्केट में इतने बेहतरीन ढंग से लेकर गए जिससे उन्होंने अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। और यहां पर वो रुके नहीं है, आज की तारीख में भी उसकी कंपनी का उन्होंने एक विजन स्टेटमेंट शेयर किया हुआ है, और वो विजन स्टेटमेंट आने वाले 5 साल का उन्होंने बनाया है कि 50 से ज्यादा अलग अलग मॉडल की मोटरसाइकिल वो आने वाले 5 साल के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो विजन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए।